हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिम एजुकेशन। दिस इज अंकिता शर्मा। और फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि बेस्ड है क्लास 9 की ज्योग्राफी के ऊपर, चैप्टर 1, जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो ये पार्ट 1 है। हम हाफ जो है क्वेश्चंस पार्ट 1 में करेंगे और हाफ पार्ट 2 में। तो दोनों ही वीडियोज जो है वो आपको प्लेलिस्ट में जो है मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में जो है क्लास 9 ज्योग्राफी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के नाम से फाइल बनी हुई है, वहां पे जाके आप दोनों ही पार्ट्स जो है वो देख सकते हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको हम जो है कंप्लीटली जो है डिस्कशन के साथ या समरी के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कौन सी स्टेट से जो है वो नहीं निकलती। ऑप्शन हमारे पास दी हुई है, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो ऑलमोस्ट हाफ जो है इंडिया के बिल्कुल सेंटर से होकर निकलती है, तो वो उड़ीसा से होकर नहीं निकलती। ये 8 स्टेट से होकर निकलती है। वो स्टेट्स कौन कौन सी हैं उनके भी नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो यहाँ से आप इन सारे स्टेट्स के नाम जो है वो याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल हैव कॉमन फ्रंटियर्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ये जो स्टेट्स हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, ये जो स्टेट्स हैं ये किस कंट्री के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करती हैं। ऑप्शन है नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड चाइना। तो इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, चाइना। तो अब हम मैप से भी देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है नेपाल। तो उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार 3 स्टेट्स होगी, यहाँ पे सिक्किम और ये थोड़ा सा यहाँ पे वेस्ट बंगाल। ये सारी ही कंट्रीज किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रही है, सॉरी ये सारी ही स्टेट्स जो है वो किस कंट्री के साथ जो है वो बॉर्डर शेयर कर रही है, तो वो है नेपाल। ठीक है, और ऊपर हमने जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का पढ़ा वो भी आप देख सकते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कहाँ से निकलती है, ये है गुजरात। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास मध्य प्रदेश, सॉरी गुजरात, और यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो राजस्थान से भी निकलती है। ठीक है, तीसरा हमारे पास आ गया मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया छत्तीसगढ़, ये है छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, ये है वेस्ट बंगाल, यहाँ पे त्रिपुरा और यहाँ पे है मिजोरम। तो इस तरह से टोटल 8 स्टेट से होकर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ऑप्शन ए दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज टोटल जियोग्राफिकल एरिया अकाउंट्स फॉर हाउ मच परसेंट ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ वर्ल्ड। अभी हमने डिस्कस किया कि इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, तो ये वर्ल्ड के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट बनता है, ये क्वेश्चन है। तो हमारे पास ऑप्शन दी हुई है 2.6, 2.4, 2.2 और 2.0। तो सही आंसर है इसका 2.4%। इंडिया का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है ये वर्ल्ड के जियोग्राफिकल एरिया के 2.4% है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टोटल लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया। हम लैंड बाउंड्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इनमें से हमारे पास दी हुई है अलग अलग ऑप्शन, हमें बताना है कि टोटल लैंड बाउंड्री जो है वो इंडिया की कितनी है। तो ऑप्शन हमारे पास ये हैं, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और दी हुई है यहाँ पे, टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप दिस इज 7,516.6 किलोमीटर। अब ये टोटल कोस्ट लाइन की बात हो रही है, ऊपर हमने किसकी बात की थी, लैंड बाउंड्री की और ये है कोस्ट लाइन की, और दोनों ही हमारे पास जो यूनियन जो आइलैंड्स हैं अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप उनको इंक्लूड करके टोटल जो कोस्ट लाइन है इंडिया की दैट इज 7,516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया दैट इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये है हमारे पास 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये कौन कौन सी स्टेट से जो है वो पास करती है। ठीक है, जो ऑप्शंस हैं हमें उनमें से बताना है कि कौन सी स्टेट से ये पास करती है। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, चंद्रपुर महाराष्ट्र, रन ऑफ कच्छ गुजरात एंड रन ऑफ द अबव। तो सही आंसर ऑप्शन ए दैट इज मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। और कौन कौन से स्टेट से जो है ये स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो पास करती है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे ये हमारे पास है स्टैंडर्ड मेरिडियन जो कि है 82.5 डिग्री पे। ठीक है, तो ये पास करती है सबसे पहले उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद आता है ये थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश से भी क्या कर रही है,
पास कर रही है, ठीक है। उसके बाद आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से पास करती है, उसके बाद आता है उड़ीसा और उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। तो टोटल 5 स्टेट से ये पास करती है, कौन कौन सी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। और जो हमने पार्ट 2 डिस्कस किया हुआ है, जो पार्ट 2 की वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें जो स्टेट्स हमने अभी डिस्कस की कि 5 स्टेट से निकलती है, उन स्टेट्स की किस जगह से वो निकलती है स्टैंडर्ड मेरिडियन, वो भी जो है वो स्पेसिफिकली डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया, कितनी स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि 2019 में, अगस्त 2019 में क्या हुआ था, जम्मू और कश्मीर जो है उसको स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, और लेह और लद्दाख है उसको भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो 29 स्टेट्स थी, तो स्टेट्स जो है कम होकर कितनी होगी, 28 स्टेट्स होगी। और हमारे पास यूनियन टेरिटरी जो है, जो हमारे पास दमन और दीव है, दमन और दीव और दादा नगर हवेली, इन दोनों ही यूनियन टेरिटरीज को जो है एक यूनियन टेरिटरी मिलाकर बना दिया गया। और ये कब किया गया, 26 जनवरी 2020, मतलब इसी साल जनवरी में रिपब्लिक डे के दिन जो है दमन और दीव और दादा नगर हवेली, इन दोनों ही यूनियन टेरिटरीज को मिला के एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो हमारे पास फाइनल कितनी है, 28 स्टेट्स हैं और 8 जो है वो यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज एन इंटरनेशनल बॉर्डर, कौन सी स्टेट है जिसका इंटरनेशनल बॉर्डर है, वो इंटरनेशनल अलग कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करती है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। तो आप मैप से भी देख सकते हैं, मध्य प्रदेश तो बिल्कुल नहीं, ठीक है, झारखंड भी नहीं, ठीक है, हरियाणा भी नहीं, ठीक है। तो कौन सी स्टेट बची, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ शेयर करती है, वो तिब्बत के साथ, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इन नॉर्थ वेस्ट। क्वेश्चन है कि इंडिया जो है नॉर्थ वेस्ट में किस कंट्री के साथ जो है वो अपनी बाउंड्री शेयर करती है। अब यहाँ पे ध्यान है, नॉर्थ वेस्ट पूछा गया है, ठीक है। आप ये नहीं कि आपने ऑप्शन में चाइना देखा या कोई और देखा और सीधा टिक कर दिया, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट मतलब यहाँ इस साइड, ठीक है, ये हमारे पास नॉर्थ है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर जम्मू और कश्मीर है और नीचे क्या है, यहाँ पे तमिलनाडु, कन्याकुमारी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया नॉर्थ वेस्ट में किसके साथ शेयर करती है, ऑप्शन है चाइना, म्यांमार, पाकिस्तान और नेपाल। तो सही आंसर है पाकिस्तान, ऑप्शन सी। नॉर्थ में ये किसके साथ कंट्री है, नॉर्थ ईस्ट, ये जो साइड है वो कौन सी आ जाएगी, नॉर्थ, ठीक है। तो चाइना के साथ करती है और नेपाल के साथ, और ईस्ट में किसके साथ करती है, ये म्यांमार के साथ, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट पूछा है, तो नॉर्थ वेस्ट में किसके साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करती है, पाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नैरो चैनल ऑफ सी। श्रीलंका जो है इंडिया से सेपरेट होता है एक छोटी सी स्ट्रेट के थ्रू, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है पाल्क स्ट्रेट, गल्फ ऑफ मन्नार, बोथे एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज पाल्क स्ट्रेट। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है इंडिया, ठीक है, और ये है चाइना, और इसको कहा जाता है पाल्क स्ट्रेट। एक्चुअली स्ट्रेट होता क्या है, स्ट्रेट होता है कि एक नैरो स्ट्रिप, पानी की नैरो स्ट्रिप, जो कि क्या करती है, दो बड़े बड़े लैंडमार्क्स को आपस में जोड़ती है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, एक इस्मस होता है और एक स्ट्रेट होती है, ठीक है। स्ट्रेट क्या होती है, नैरो स्ट्रिप, सी की नैरो स्ट्रिप, ठीक है, लैंड की नहीं बल्कि सी की नैरो स्ट्रिप, दो बड़े बड़े लैंडमार्क्स को आपस में जोड़ती है, ठीक है। और दूसरा आता है इस्मस। इस्मस क्या होता है, ये होती है एक नैरो पीस लैंड का नैरो पीस, जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ता है। तो उल्टा है, एक है हमारे पास स्ट्रेट, ठीक है, और एक हमारे पास होता है इस्मस, ठीक है, इस्मस। तो जो स्ट्रेट है वो दो बड़े लैंड मासेस को जोड़ती है, तो वो पानी है जो दो बड़े लैंड मासेस को जोड़ रहा है, ठीक है। और इस्मस क्या है, ये एक लैंड का पीस है जो दो बड़े वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ रहा है, ठीक है। तो जो नैरो स्ट्रिप सी की जो आपस में श्रीलंका और इंडिया को जोड़ती है, उसको पाल का नाम दिया गया है, पाल स्ट्रेट। नेक्स्ट है, ओके सॉरी, यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 लिखना था, 11 लिख दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। कवरत्ती इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी। कवरत्ती जो है वो किसकी कैपिटल है, ऑप्शन है पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दमन एंड दीव। तो सही आंसर ऑप्शन बी, दैट इज लक्षद्वीप। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया। हमें पूछा है ईस्टर्न मोस्ट, ये भी ध्यान देने वाली बात है, हमने ईस्टर्न मोस्ट पूछा है। तो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है, ये है वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड और ये है ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड। तो क्या है ये, इट इज ऑप्शन ए, दैट इज 97 डिग्री 25 मिनट। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया है, यहाँ पे मिनट होना चाहिए,
तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट इज द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ 12 क्वेश्चंस, 13 क्वेश्चंस से आगे जो है इससे जो आगे क्वेश्चंस है वो पार्ट टू में डिस्कस किए गए हैं, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसमें भी। तो अगर आप आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।